Good morning, students. Hope you are safe at home. Welcome back to the class of accountancy. With me, your Neha ma'am. We are doing chapter number 6, that is retirement and death of a partner, on which we are doing the exercise from death of a partner. In the last video, I had make a video on two questions from exercise, that is question number 56 and 58. Today we are going to solve two more questions from the exercise, that is question number 63 and 64. Okay, so I'm going to read it out a question and then we will solve together. A, B and C were partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. ठीक है, A, B और C तीन partners है, तीनों का profit sharing ratio है 3:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. Firm अपनी book को कब बंद करता है? 31st March को. B died on 30th June 2018. अब B का death कब हो जा रहा है? 30th June 2018. On his death, goodwill of the firm was valued at rupees 6 lakh. जब उनकी death होती है, तब goodwill, firm का जो goodwill होता है, उसका value है 6 lakh. Okay? B shares in profit and loss till the date of death was so calculated on the basis of the previous year's profit, which was 15 lakh loss. जो उनका profit या फिर loss calculate करना है हमें, वो करना है previous years का profit में, ठीक है? बल्कि लेकिन twist ये है कि previous year में कोई profit नहीं हुआ था, बल्कि loss हुआ था. That is 15 लाख. तो हम लोग अभी उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग ये मानेंगे कि इस साल भी क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है. ओके, इंपॉर्टेंट इज पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ लॉस. तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर शेयर ऑफ गुडविल. दो जर्नल एंट्री पास करनी है, पहला तो गुडविल के लिए और दूसरा लॉस के लिए. ओके, मतलब लॉस में उसका कितना शेयर होता है उसके लिए. तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 63. ओके, तो यहाँ पे पहला जनरल एंट्री हम लोग कर लेंगे और यहाँ पे दूसरा जनरल एंट्री. ठीक है, और ये जो पूरा है ये हमारा वर्किंग के लिए जगह है. ओके, तो हमारे यहाँ पे थ्री पार्टनर्स है, ए, बी एंड सी. ओके, इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. ओके, इसमें से जो हमारा पार्टनर है बी, ओके, ही डाइड. बी डाइड, ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको राउंड भी करके नीचे सर्कल ये डाल देते हो, क्रॉस डाल सकते हो, इट इज अपॉन योर विश. एंड उसके बाद बताया जा रहा है कि उनका डेथ कब हुआ था, 30th June 2018. तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा जो ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1st April 2018 से, और एंड कब होगा, 31st March 2019. ओके, जस्ट वेट, आई एम कंफर्मिंग अबाउट द ईयर. ओके, देन जो 30 जून था, 30 जून 2018 में हमारा जो पार्टनर था बी, वो हमें छोड़ के चले गए, ही डाइड. ओके, तो चले गए वो, हमारे पास कितने महीने रहे, अप्रैल, मई, जून, पूरा पूरा जून रहे, 30 जून को चले गए, तो 3 मंथ्स हमारे साथ रहे. ओके, समझ आ रही है बात. अब आगे बताया गया है आपको कि उसकी गुडविल कितनी है, टिल जब उनकी डेथ होती तब गुडविल कितनी है हमारे पास, 6 लाख. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे. ओके, अब क्वेश्चन आपने के दिमाग में ये उठ रहा होगा कि गेनिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो पिछले बार में जो हमने रिटायरमेंट में करा था गुडविल के साथ, वही सेम ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं गुडविल के साथ. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, गुडविल को गेनिंग रेशियो जो पार्टनर्स के थे वो हम लोग निकाल लेते थे. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे. तो हम लोग को कुछ भी नहीं बताया गया है न्यू रेशियो के बारे में, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो दिया हुआ है प्रेजेंट, ठीक है,
ए और सी के बीच में जो रेशियो है दैट इज 3:1, यही हमारा क्या है, गेनिंग रेशियो है. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, ये हमारा क्या है, गेनिंग रेशियो है. ठीक है, अब इसमें बी का शेयर कितना है, बी शेयर ऑफ गुडविल, बी का शेयर कितना है, 6 लाख में 2/6 दैट इज 2 लाख. ठीक है, तो जो हम लोग एंट्री पास करते थे गुडविल में वही सेम एंट्री पास करेंगे. तो पहले हम लोग एक एंट्री पास कर लेते हैं. ओके, तो क्या था गुडविल में, गुडविल में था गेनिंग कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स हु आर गेनिंग, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर. यहाँ पे है तो रिटायरिंग पार्टनर की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, डिसीज पार्टनर. ओके, इज कैपिटल अकाउंट डी आर सीज टू बीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू है 2 लाख. ओके, और यहाँ पे इसको हम लोग, ये जो 2 लाख है उसको हम लोग गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 3:1. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,50,000 and 50,000. बस यहाँ पे हो जाएगा नरेशन बीइंग गुडविल एड जस्टेड. ओके, ये तो था हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट. अब कह रहा है कि हमें लॉस का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन कह रहा है कि बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, उसके डेट ऑफ डेथ के तक उसका जो प्रॉफिट और शेयर जो होना चाहिए उसको हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है. बट प्रीवियस ईयर में क्या दिखा रहा है आपको, लॉस दिखाया जा रहा है. ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बीस शेयर ऑफ लॉस इज इक्वल टू 15 लाख इंटू 3/12, क्योंकि ये हमारे साथ भी कितने टाइम तक रहे, 3 महीने रहे, तो 3/12. ओके, दिस इज, और इसके साथ ही हम उसका साथ ही साथ निकाल लेते हैं, 3/12 मतलब हमारे पास 3 महीने तक रहे, बट उनका शेयर कितना होता है, 2/6. जब इस पूरे मैथमेटिक्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1,25,000. ओके, तो बी का शेयर कितना है लॉस में, 1,25,000. ठीक है, तो हम लोग सेकेंड वाले में उसके शेयर ऑफ लॉस की जर्नल एंट्री करेंगे. तो जब याद करिए, जब हमारे पास प्रॉफिट होता था तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्या होता था, डेबिट होता था. अभी हमारे पास क्या है, लॉस हो रहा है, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरे का पूरे अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे. और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है पीएनएल सस्पेंस को, उसको क्या करेंगे, लायबिलिटी के तरफ दिखाएंगे. ओके, क्या करेंगे इसको, इसको लायबिलिटी के तरफ दिखाएंगे. ओके, ठीक है, इसके बाद हम दूसरी और एक क्वेश्चन करने वाले हैं. दूसरी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 64. ओके, इसमें भी हमारे पास 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, उनका प्रॉफिट शेयरिंग है, रेशियो है 4:3:1. ठीक है, अगेन सेम थिंग, फॉर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च. 31st मार्च में उसका बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब ओपन कब कर रहे होंगे, ऑन अ 1st अप्रैल एंड क्लोजेस ऑन 31st मार्च. ओके, ये सब आपको ध्यान देने वाली बात है, एकदम सिंपल सिंपल चीज है, आपको ध्यान दे लेना होगा पढ़ते के समय ही. ऑन 1st February 2019 वाई डाइड. ओके, हम लोग इसका बना लेते, जो जितना हमने पढ़ा है हम लोग उसको लिख लेते हैं यहाँ पे. ओके, एक्स
Y, Z, ओके, इट्स नॉट विजिबल. एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1. ओके, इसमें से कौन भगवान के पास जाने वाले हैं? वाई, वाई डाइड. ओके, वाई डाइड कब गए वाई? वाई डाइड ऑन 1 February 2019. ओके, तो इनका ईयर कब से शुरू हुआ होगा? ठीक है, 1 April 2018 से स्टार्ट हुआ होगा और 31 March 2019 तक चलने वाला था इनका ईयर. ओके, और जब 1 February आते आते, 1 February आते आते तक क्या हो गया? वाई डाइड. बेचारे मनहूस दिन था, वाई जो हमारे पार्टनर थे वो हमारे साथ अब नहीं रहे. तो उनका रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा पिक्चर में और क्या बोलेगा कि भाई मेरे पापा का जो भी शेयर होता था वो हमारे, या फिर लॉस भी है तो हमें वो बता दीजिए, ठीक है, हमारा हिसाब कर दीजिए, सिंपल सा वर्ड में. तो यहाँ पे देखो, जो वाई जो थे वो हमारे साथ कितने दिन तक रहे? 10 months रहे, क्योंकि पूरे साल खत्म होने में सिर्फ 2 महीना बचा हुआ, दैट इज फरवरी एंड मार्च. ठीक है, तो 12 - 2 दैट इज 10 months रहे हमारे पास. ओके, बस इतना ही था हमारा यहाँ तक. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं एक साथ. It was decided that the new profit sharing ratio between X and Y will be equal. बताइए, there is a change in profit sharing ratio. Profit sharing ratio change हो जाता है और ये X and Y क्या बोलते हैं कि अब हमारा जो new ratio होगा, ठीक है, new ratio जो होगा X और Z के बीच में, वो क्या होगा? Equal होगा. That is 1:1. ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर. पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है कि जब आपका पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो क्या क्या है? दो चीजें बताई गई हैं पार्टनरशिप डीड में. फर्स्ट है, हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 complete years. ओके, एंड द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years. फॉर्म का लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट आपको दे दिया गया है, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है आपको कि देखिए लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट ये है और इसी में से आपको गुडविल भी कैलकुलेट करना है. कह रहा है कि जो भी उसको प्रॉफिट मिलने वाला था, लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट जो मिलने वाला था, किसको मिलने वाला था? द पार्टनर, डिसीज पार्टनर को, दैट इज को वाई को मिलने वाला था. ठीक है, उसका हाफ क्या होगा? गुडविल होगा. ओके, और यहाँ पे है आपका बी में है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर. और यहाँ पे जो प्रॉफिट निकालना है वो किस बेसिस पे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे निकालना है और बस पास्ट 2 ईयर्स लेना है, मतलब लास्ट के 2 ईयर्स लेना है. पास्ट मतलब बस लास्ट के 2 ईयर्स लेना है. तो लास्ट के 2 ईयर्स कितने हैं? 17-18 और 16-17. ओके, तो ठीक है. और लास्ट में क्या बताया गया है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर गुडविल और जो प्रॉफिट आप वाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं वो. ओके, तो ठीक है, पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं. ये सब जो आप करोगे वो वर्किंग नोट्स में दिखाओगे, ठीक है, बट मैं आप लोग को समझाने के लिए पहले ये क्वेश्चंस को एज इट इज करती जाती हूँ, ठीक है. बट यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स इन वर्किंग नोट्स. एंड आप पहले 2 जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़ दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड करके, और बाकी सारी चीजें आप जर्नल, ये वर्किंग नोट्स के जो स्पेस होते हैं उसमें कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल को कैलकुलेट करना है और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है कि Y को लास्ट 4 ईयर्स में जो प्रॉफिट मिले थे उसका आधा. ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ Y इन लास्ट 4 ईयर्स. ओके,
तो यहाँ पे था आपका 4 ईयर्स का, सबसे पहले लास्ट ईयर का था 1,50,000। गो थ्रू द क्वेश्चन, आप लोग भी कुछ जब कुछ क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते हैं तो आप लोग भी बुक खोल के रखिए, और जब मैं पढ़ती जाती हूँ तो आप लोग भी वहाँ पे फिंगर रख करके देखिए कि क्या मैं बोल रही हूँ और उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाले, सबसे आखिरी वाले साल में 1,50,000 है, एंड देन 1 लाख है, ठीक है, दिस इज 2 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, तो ये टोटल लास्ट ईयर का लास्ट फोर इयर्स का टोटल प्रॉफिट कितना है, 4 लाख। अब इस 4 लाख में वाई का कितना हिस्सा बनता है, तो वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट, थ्री बाई एट होता है, तो उसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1,50,000। ओके, देन कह रहा है कि गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट। गुडविल कितने का इक्वल होगा, जो भी प्रॉफिट है उसका हाफ। ओके, तो ये हमारा निकल गया, कैलकुलेट हो गया गुडविल। अब हम लोग दूसरा क्या करेंगे, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ओके। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कि एवरेज 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स, या फिर बोलोगे पास्ट 2 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, क्या मिस्टेक हो जाता है कि क्वेश्चन में उनको लगता है कि गुडविल जो निकालना है उसको वो लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखोगे कि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, फिर इनका क्वेश्चन नहीं आता है, कहीं भी एवरेज नाम नहीं जुड़ा हुआ है जब आपको गुडविल का कैलकुलेशन बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अभी जब हम लोग कर रहे हैं तो उसमें लिख दिया है कि एवरेज लास्ट पास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पास्ट एवरेज पास्ट 2 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, पास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट कितना है, 1 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75,000। तो ये जो 75,000 है हमारे पास, इसमें तो ये पूरे साल का प्रॉफिट है। ओके, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। तो हमारा जो पार्टनर था वाई, वो हमारे साथ सिर्फ 10 महीने के लिए रहा है, तो हम लोग 10 महीने का प्रॉफिट कितना होता है वो निकाल लेंगे। प्रॉफिट फॉर 10 मंथ्स, ठीक है, 75,000 का 10/12। ओके, तो आ जाता है आपका 62,500। ठीक है, अब इसमें Y का शेयर कितना है, Y शेयर इन प्रॉफिट 62,500 इंटू 3/8, तो आपका आ जाता है 23,438। बस ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ जाता है। बस आपको अब क्या करना है, 2 जर्नल एंट्री फटाफट पास कर देनी है।
पैरा जनरल एंट्री क्या करना है, गुडविल के लिए पास करना है, ठीक है। और एक और कैलकुलेशन हम लोग छोड़ रहे हैं, दैट इज गुडविल। जब भी हम लोग गुडविल का पास करेंगे जनरल एंट्री, तो हमें पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कौन है और गेनिंग पार्टनर कौन है, ठीक है। तो हमारे पास है एक्स और वाई, इनके ओल्ड रेशियो कितना है 4/8 और इधर है 1/8, माइनस इक्वल पार्टनर है ये लोग, तो 1/2 एंड हियर ऑल्सो 1/2, इधर तो हो जाता है 0, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 0, थोड़ा इलेबरेट कर देती मैं इसको, ठीक है। ऐसे हो सकता है 8 - 8/16 = 0, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 - 8/16 = -6/16, तो दिस पार्टनर इज गेनिंग। ये जो हमारा जेड है, क्योंकि ये माइनस में है, सो इट इज गेनिंग। यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन गेन कर रहा है, दैट इज जेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला जनरल एंट्री हो जाएगा गुडविल के लिए, तो क्या हो जाएगा, जेड कैपिटल अकाउंट DR 2 Y's कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे कितना है हमारा गुडविल 75,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सेकंड है हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो PNL, अरे हमारा रेशियो चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो रेशियो चेंज होता है तो हमारा एंट्री भी चेंज हो जाती है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है विद 2 डिसीज पार्टनर, सेम एंट्री हो जाएगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, ओके। तो हमारी कितनी है 23,438, ओके। नरेशन लिख सकते हो कि बीइंग गुडविल, सॉरी बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड और बीइंग प्रॉफिट गिवन, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो वी हैव डन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हाउ टू कैलकुलेट गुडविल एंड हाउ टू ट्रांसफर प्रॉफिट रिगार्डिंग दिस एंड एज वेल एज लॉस। सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि इस बार जो आपके अकाउंट है या फिर आपके डिलीटेड पोर्शंस में, ये जो है आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट आपको नहीं बनाने हैं, एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव जो उनके रहते हैं, ठीक है। डिजीज पार्टनर का अकाउंट भी नहीं बनाना है, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी आपको नहीं बनाना है। रिपीटिंग अगेन, इस बार आपका जो पोर्शन है उसमें आपको डिजीज पार्टनर का अकाउंट नहीं बनाना है और साथ ही साथ आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट भी नहीं बनाना है। तो हमारा मेन जो टॉपिक था यहीं तक था, बट हम लोग यहाँ पे से क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चंस यहाँ से भी करेंगे, ओके। क्योंकि आपको ये नहीं बोला गया है कि उसको अमाउंट पेएबल, मतलब एक डिसीज पार्टनर को उनके डेथ के बाद उसको कितना अमाउंट पेएबल होता है, ये आपको कभी भी नहीं बोला गया है कि मत करो, वो आपको करना है, ठीक है। तो हम लोग ये सीखेंगे कि उसका अमाउंट उसको कैसे दिया जाता है, ठीक है, बट अकाउंट बनाना नहीं सीखेंगे इस बार, ओके, बिकॉज इट इज डिलीटेड, दैट पोर्शन इज डिलीटेड, ओके। बट एट द सेम टाइम आपको रिमेनिंग पार्टनर्स जो हो जाते हैं, जो पार्टनर्स बच जाते हैं, उनका अकाउंट बनाना आपको बोला गया है कि आपको आना चाहिए, बट नथिंग, नो क्वेश्चन इज गिवन एज सच। कोई भी क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको रिमेनिंग पार्टनर्स का अकाउंट बनाना है, सब में ऐसे दिया हुआ है कि आपको डिसीज पार्टनर का बनाना है। देखिए हर जगह आपको दिया हुआ है डिसीज पार्टनर का बनाना है। तो मे बी कल एक वीडियो आने वाली है इस पे, और उसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसके बाद हम लोग रिजोल्यूशन पे चले जाएंगे, ओके। सो टिल देन कीप लर्निंग, स्टे सेफ एट होम एंड कीप स्टडी। थैंक यू।